तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द अनदर व्लॉग। आई होप आप सब अच्छे होंगे। और आप बहुत दिनों बाद बाइक चलाने को लेकर आऊँ, थोड़ा सोचा एक व्लॉग भी बना दूँ। ट्रैक से आए हुए तो काफ़ी दिन हो गए, बट थोड़ा तबीयत ख़राब था तो इसीलिए बाहर निकलना भी नहीं हुआ। तो अभी जैसे 300 किलोमीटर तो अभी चला चुका हूँ मैं। चूड़दार गए थे जब 300 प्लस चला चुका हूँ, तो सोचा चेंज करा लेना चाहिए इससे पहले कि डिस्क पैड भी खराब हो जाए। ब्रेक पैड ही चेंज करा लेने से अपना फायदा है भाई। प्लस यार दोस्त से मिलना हो जाएगा, काफी दिन हो गए मिला नहीं यार। तो वहीं को चले हुए हैं, देखो क्या बनता है। और कसम से यार, अगर मैं आप लोगों से अपना एक्सपीरियंस शेयर करूं, और एक्सपीरियंस शेयर करने से पहले यार बहुत बहुत शुक्रिया यार आकाश का। वो नहीं होता तो मेरा क्या होता। अंदर अंदर से चलते हैं यार। वो नहीं होता तो मेरा क्या होता यार, मेरे को समझ ही नहीं आता। पूरे रास्ते भाई ने बहुत ज़्यादा हेल्प करी है, नीचे उतरने तक। पूरे बर्फ वाले रास्ते में पीछे पीछे था वो, पीछे पीछे था। और साथ में दो भाई और थे, बट वो आगे थे, आकाश मेरे पीछे था। उसने पूरे रास्ते हेल्प करी, और एक क्लिप में तो देखा भी होगा, वो मेरे लिए रास्ता भी बना रहा था। यार सही बता रहा हूँ, आज तक जितने बार हम ट्रिप पे गए और जितने बार मैं फंसा हूँ ना, दो बार हो चुका है बर्फ में, और दोनों बार आकाश ने मुझे बचाया है। शिमला वाले राइड पे देखा होगा आपने, उस टाइम तो छोड़ो मैं ब्लॉग ही नहीं बनाया था, उस टाइम तो मेरे पे गोप्रो भी नहीं था और फोन लगाना ठीक नहीं समझा। उस टाइम भी उसी ने मेरे को बचाया, यानी कि पूरी रास्ते उसने मेरी बाइक चला के आया, क्योंकि मेरे पैर पड़ नहीं रहे थे नीचे बर्फ में। तो पूरे रास्ते उसने बहुत हेल्प करी उस टाइम भी, और इस चूड़दार वाले ट्रैक में भी। यार मैं हिम्मत हार चुका था, कसम से कह रहा हूँ। कई बार होते है कि बंदा सोचता है नहीं, अब एक कदम भी नहीं, एक कदम नहीं चला जाना बस। तो मैंने वहां पे जाके, और वो मोड़ ही ऐसा था, मैं ऐसे एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा बोल के। ऐसी जगह थी ना कि सोच के भी आजकल मेरे डर लगता है यार वो जगह। और दिन होता तो शायद कर लेते, पर बर्फ ऐसी थी ना कि नहीं हो पाई यार। और बहुत सारे लोग थे यार जो 12 किलोमीटर से आगे नहीं जा रहे थे, हम फिर भी गए हिम्मत करके और काफी आगे तक गए। तो एक तो यार आकाश का थैंक यू, और ऊपर से एक कोई पप्पू भाई हमारे स्पेशली फ्रॉम इंडोनेशिया, उन्होंने एक दो वीडियो पहले कमेंट किया हुआ था कि सपोर्ट फ्रॉम इंडोनेशिया है ना, और अपना नाम भी मेंशन किया था पप्पू। एक आदमी पप्पू का तो मैं भी जानता हूँ, यानी जिनका नाम पप्पू है, मेरे साथ खेला करते थे शायद उनमें से एक हो, तो उनका भी थैंक यू यार सपोर्ट करने के लिए। हर एक बंदा जो जुड़ता है ना, वो उस हर एक बंदे का थैंक यू है यार। उन्होंने स्पेशल मेंशन किया था, तो मैं भी अपने वीडियो पे स्पेशल मेंशन करके उनको थैंक यू बोलता हूँ यार उस काम के लिए। हाईवे खुल चुका है यहाँ पे, तो भीड़ भी उसी लेवल का है यार। इतना बड़ा ट्रक ट्राला खड़ा कर दिया बीच में, ओहो देख ले भाई। एक बात है, बंदे देखते तो बहुत गौर से है यार गोप्रो वगैरह, क्योंकि इतना नॉर्मल नहीं है ना। बीच बीच से जा रहा मैं गलियों से, ताकि भीड़ कम मिले। रोड पे तो अभी तो ट्रैफिक अच्छा खासा होगा, दिन का टाइम है, लोग किसी ना किसी काम के लिए निकले होंगे कहीं ना कहीं। भैया से मिलने यार, भैया इसको पीछे खिंचवाना, क्योंकि ना टायर के नीचे है पोटी किसी की। एक मिनट, दो तीन खिंचवाओ, क्योंकि वेट 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 बस 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 बस
अरे नीचे ये है ना, हमें सर्विस सेंटर जाना है। अच्छा। वो टायर खोलेगा, ब्रेक पैड डालना है। फिर मेरे को कहेगा वॉश करवा, इससे अच्छा उसमें टायर नहीं डालना मैंने। चलो ओके, इसमें अच्छे से रहता डालो। ओहो, एक और दिक्कत। अरे वो टायर के नीचे है, किसी की पोती पड़ी थी, हम मैंने ब्रेक पैड खुलवा रहे हैं वहाँ जाके। गंदा टायर वो देखेगा तो उसको गंदा लगेगा ना, इसीलिए। तो बच्चे देखते यहाँ कोई ऐसा है नहीं, बच्चों की सच्ची स्कूल के बच्चे। छोटी सी वीडियो ज़्यादा खुशी हो रही है। यहाँ तो अगर मैं वहाँ से निकलता ना, ये रोड क्रॉस करके इस साइड जाना था बस। मैंने क्या किया, जो डिवाइडर्स होते हैं ना वहाँ पे पहले तारे बिछाते थे, लोगों ने तारे तोड़ने स्टार्ट कर दी। इतना परमानेंट सोल्यूशन निकाला है ना, पूछो ही मत। पहले बिजली के खंभे होते हैं ना, बिजली के खंभे गिर दिए हुए डिवाइडर पे, कोई आने जाने कर ही नहीं सकता, तो उसके लिए भी घूम के आना पड़ता है। अंदर काम चल रहा है बाइक का, अंदर तो वीडियो नहीं बना सकते ना, इसलिए बाहर आके बनाना पड़ता है। बाइक का काम चल रहा है, आया किस काम के लिए था और हो क्या क्या काम रहा है, मैं खुद परेशान हो गया। मोटा खर्चा होने वाला है यार, सिर्फ ब्रेक पैड चेंज करवाने थे, शॉकर लीक हो रहा है, शॉकर चेंज पे लग गए, कौन सा टाइट वर्क है हैंडल का, कौन सा, फिर उसकी ग्रीसिंग। अंदर अभी काम हो रहा है, काम होने देते हैं। खर्चा तो आज मेरे को लगता है 4-5 हज़ार से नीचे तो नहीं रुकने वाले भाई, जो भी है करवाना तो पड़ेगा, थोड़ा लंबा ट्रिप मारो ना, उसके बाद खर्चा तो हो ही जाता है। ठीक है, जितना क्या हुआ मैं आप बताता हूँ, और यहाँ से निकलता हूँ घर के लिए यार। सो यार ये देखो, हमसे ज़्यादा इन भाई साहब के मस्त लेटा हुआ है, सो गया, अभी मेरे को देख के उठ गया और कुछ नहीं, और अभी भी इसका प्रॉपर उठने का मन नहीं है। टाइम भी वैसे ही हो रहा है ना, क्योंकि शाम हो चुकी है। बस थोड़ी देर पहले बाइक लेके आया सर्विस सेंटर से, उससे पहले बाइक तो काफ़ी पहले ठीक हो गई थी, बट क्या है कि मैं अपने फ्रेंड्स के साथ निकल गया था खाने पीने के लिए, तो वहाँ का तो ब्लॉग नहीं बनाया, खाते पीने का कोई मेरे को इंटरेस्ट नहीं बनाने का, तो वहाँ का ब्लॉग नहीं बनाया मैंने। थोड़ी देर पहले बाइक लेकर आया हूँ सर्विस सेंटर से, और टाइम अभी अराउंड 5:30 हो रहे हैं। मेरी और आकाश की बात हुई थी शाम को मिलेंगे, क्योंकि ट्रिप पे यार उसके थोड़े बहुत कपड़े मैंने यूज़ किए थे जो मैंने उसको लौटाने थे, अब वो मेरे को लगता है पॉसिबल नहीं हो पाएगा, 5:30 हो चुके हैं, इतना चूना लग गया ना, दिमाग ख़राब हो गया। बट ये है कि चलो लंबा ट्रिप किया था, उसके बाद क्या हुआ, मेन प्रॉब्लम ये होगी कि रात को हम वहाँ से काफ़ी लेट निकले थे, और अंधेरा था पूरे रास्ते, और रास्ता भी काफ़ी कच्चा था, विद पिलियन था, मेरे को मैंने इतना ध्यान नहीं दिया, तेज़ चलाया था हमने आते टाइम, क्योंकि रात काफ़ी ज़्यादा हो गई थी। 1:30 बजे तो मैं घर पहुँचा हूँ, देख लो कि कितना लेट हो गए होंगे। तो उसका शॉकर थोड़ा प्रॉब्लम दे रहा था, मैंने उस टाइम नोटिस नहीं किया, अभी जब मैं करवाने गया तो उसने देखा ऑयल लीक हो रहा है, तो उसने बोला यार ऑयलिंग करवानी पड़ेगी, इसका सील ब्रेक हो गया, इसका सील भी न्यू डलवाना पड़ेगा फ्रंट शॉकर का, वो हो गया, फिर हैंडल की ग्रीसिंग होगी, फिर वो थोड़ा टाइट था, ग्रीसिंग करवाया, फिर उसका कोन बेयरिंग होता है एक हैंडल में, मैंने पहली बार देखा, तो वो भी कहता कट चुका है यार, इसको भी चेंज कराओ, फिर वो भी चेंज कराया, ऐसे करते करते 5-6 काम ने भी जुड़ गए थे उसमें, तो खर्चा भी उसी हिसाब से अच्छा खासा हो गया है। ट्रिप करने आसान नहीं है यार, रिलैक्स मोड पे बिल्कुल, और ये चोरी छुपे इसके पाउडर लगा रहे हैं ना,
थोड़ा बहुत हेयर फॉलिंग टाइप का प्रॉब्लम आ रहा था, तो डॉक्टर ने बोला ये वाला पाउडर लगा दो, उससे काफ़ी रिलीफ मिलेगा। बेहोश, क्योंकि ऐसे अगर ये जगह होगा ना फिर तो लगाने नहीं देने वाला ये, और इसे पता नहीं अभी इसके पाउडर लग चुका है, तो हमेशा इसको ऐसे लिटा के फिर पाउडर लगाना पड़ता है।